मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा, अपनी डॉलर इनकम को नहीं बढ़ाएगा, वो कैसे कह सकता है कि मैं एशियन टाइगर बन जाऊंगा? मैंने ऐसे भी स्लोगन सुने हैं, लाहौर को पेरिस बना देंगे। तो सिंपल चीज यह है कि अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, यानी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो आप कैसे एक मुल्क सॉल्वेंट रहेगा? हर शोर में जाते ही आईएमएफ के पास जा रहे हैं। हमने खुद माजी में शोर मचाया आईएमएफ के पास, क्योंकि सॉवरेंटी का इशू आ जाता है। जब आप आईएमएफ के पास जाते हैं तो आप अपने फैसले नहीं कर सकते, और ये एक बड़ा जिल्लत का सामना करना पड़ता है मुल्क को कि आप फैसले नहीं कर सकते। वो आपको हुक्म देते हैं, वहां उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाते हैं, वो कहते हैं आपने ये करना है वो करना है, और वो आप डरते हैं कि वो करेंगे तो गुर्बत बढ़ेगी। तो वो जो लॉस ऑफ सॉवरेंटी है, सिर्फ इसलिए कि आपने अपने आप मुल्क को मैनेज नहीं किया सही तरह, और वो अभी एक हुकूमत की नहीं, ये एक मुसलसल 30-40 साल हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देनी है।